हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आइए, सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सवट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा से अब मिलेगा पैसा, कोर्ट में हुआ 5000 करोड़ रुपए का भुगतान का आदेश, जाने पूरी खबर। सारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं जिनका पैसा सारा इंडिया में फंसा हुआ है और जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ये खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5000 करोड़ रुपए का भुगतान का आदेश हो चुका है। आइए जानते हैं 20 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश मिला है। सहारा की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जहां पर निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है 5000 करोड़ रुपए सेबी के अकाउंट से निकाल कर और सहारा निवेशकों का पैसा मिलेगा। बहुत सारे निवेशकों कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका भुगतान नहीं हुआ है, कब होगा, कैसे होगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि और सुप्रीम कोर्ट के निवेशकों को सबसे बड़ी जीत दी है। आपको बता दें कि यहाँ सभी को पैसे छोटे निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सेबी के खाते में 24000 करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं और यह पैसा 6 महीने में मिलना शुरू भी होगा, क्योंकि पिछले दिनों की बैठक में संक्रांति मंत्रालय और अमित शाह जी की बैठक के द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट में से आगर की गई है कि 5000 करोड़ रुपए की के सभी के खाते में दिए जाएंगे, जिसके बाद छोटे सहारा निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिनके पास 10,000 से लेकर 20,000 सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं, सबसे पहले इन लोगों का पैसा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की। जैसे कि किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट आती है तो हम आपको आप लोगों को बताया जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई 17 मार्च 2023 को सहारा इंडिया के लिटिस सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जिसके बाद अगली सुनवाई 20 मार्च 2023 को आगे बढ़ाई गई, लेकिन 20 मार्च 2023 में सुनवाई हुई, जिसके बाद यह फैसला निकल कर आया है कि संक्रांति मंत्रालय को 5000 से सेवी देगा और यह निवेशकों के लिए बड़ी जीत से है। लगातार धरना प्रदर्शन करने से और छोटी मीडिया रिपोर्ट के लगातार अनुसार यह अच्छी खबर निकल कर आ रही है, इससे निवेशकों का जी पक्का हो गया है। नई नई खबर के लिए हमारे YouTube चैनल मनीष के सपोर्ट को सब्सक्राइब करें। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेवारी हमारे YouTube चैनल मनीष के सपोर्ट नहीं लेती है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।